हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों की भुजिया, या आप उसे बोल सकते हैं सरसों का साग, जो कि मैं मूंग की छिलके वाली दाल के साथ बनाऊंगी और उसके साथ बनाऊंगी बाजरे की रोटी। सर्दियों में बाजरे का सेवन करना बहुत ही बेनिफिट वाला होता है। सरसों भी अभी 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 अवेलेबल है, जितना आप खा सकते हैं उतना खाइए। और ये बनाऊंगी मैं सरसों के तेल में। सरसों का तेल बहुत ही कम यूज़ करूंगी, क्योंकि वैसे तो तेल तो ज़्यादा कोई भी हमें फ़ायदा नहीं करते हैं, बट सरसों का तेल हमें बाकी तेल से कम नुकसान पहुंचाते हैं। और हम 35 इयर्स तक तो हम तेल को यूज़ कर सकते हैं, बट उसके आगे अगर हम ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। सरसों का तेल ज़्यादातर मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, जो कि हम जो सरसों के दाने होते हैं उनसे ही निकलवा के लेके आती हूँ और फिर मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो आगे चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ सरसों की सब्जी आगे आपसे शेयर। हमारा तेल गर्म हो चुका है और हम आगे इसमें थोड़ा सा हमारा जाएगा जीरा। और जब जीरा गर्म हो जाए, जीरा अच्छे से हमारा तड़क जाएगा, उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने सरसों काट के रखी है, ये सरसों। फ्रेंड्स, सरसों का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो सरसों का जो सेवन है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन के पाया जाता है, जिससे कि जो गर्भवती महिलाओं में उल्टी आने की समस्या होती है, चक्कर आने की समस्या होती है, उनको बार बार मितली आती है, उससे ये रेगुलर इसका सेवन करने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं, ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उनको बढ़ाती है, और इसके इतने अनेक फ़ायदे हैं। अभी हमें इजीली अवेलेबल हो रही है, तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें दाल यूज़ होती है। दाल मैंने ली है, ये देखिए, छिलके वाली दाल ली है। छिलके वाली दाल हमें बहुत ही फ़ायदा करती है। ये मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, वॉश करके और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, जिससे कि ये अच्छे से भीग गई है, जिससे ये सब्जी हमारी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा तैयार। अब हम इसमें सरसों डाल देंगे, ये देखिए, ये हम सारी सरसों डाल देंगे इसके अंदर। सरसों डाल के हम इसको बना देंगे, देखिए। और ये हमने हमारी दाल भिगो रखी थी, ये वाली दाल, पूरी दाल इसमें हम इस तरीके से डाल देंगे, डाल के। और जो हमने जितने भी हमें मसाले डालने हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक का इस्तेमाल हमें हमेशा कम करना चाहिए, क्योंकि नमक बाद में भी डल सकता है। अगर एक बार ज़्यादा हो जाए तो हमें अलग से उसको, नमक को कम करने के लिए हमें काफ़ी यत्न करने पड़ते हैं। तो ये हमारी, अब मैं इसको, इस मसाले को अंदर दबाते हुए और इसको ऐसे ढक दूंगी, और ढकने के बाद इसको सिर्फ ढक देंगे। और गैस हमारी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, हम इस सब्जी को अब बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, जिससे कि नीचे ना लगे। सरसों के तेल के, सरसों की सब्जी के बहुत ही फायदे हैं फ्रेंड्स। इस सरसों में विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी तीनों पाए जाते हैं। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। मानसिक तनाव जो हमारा होता है, ये अगर हम हफ्ते में 3 दिन हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसका, हरी सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये हमारे वज़न को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबरस प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे, इसके लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी हम थोड़ी देर के लिए वापस इसको ढक देंगे फ्रेंड्स, और इसी स्लो आंच पे ही हमारा बनने देंगे। जितनी देर में हमारी ये पक के तैयार होगी, हमने बाजरे का आटा तैयार कर लिया है। और बाजरे की रोटी मैं किस ईजी मेथड से बनाऊँगी वो मैं आपको, ये देखा फ्रेंड्स, हमने ये अपना बाजरे का आटा तैयार कर लिया है। इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से, इस तरीके से मैश करेंगे इसको। जितना हम अच्छे से मैश करेंगे, हमारी रोटी इतनी ही
सॉफ्ट तो बनेगी और बेलने में भी आसानी रहेगी। थोड़ी सी मक्के की रोटी बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसका भी मैं समाधान आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड में आज बाजरे की रोटी बनाई जाएगी। हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इस आटे की लोई को बहुत ही अच्छे से डो तैयार करेंगे और लोई बनाएंगे। इसी मेथड बताया है मैंने कि हम ये दो हमारे पास में जो पॉलीथिन होती है, इस पॉलीथिन के दो बराबर टुकड़े मैंने काट लिए हैं। एक टुकड़ा जाएगा चकले के ऊपर और दूसरा जाएगा जो हमारी हम लोई रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस लोई को और इस तरीके से हम इसको ऐसे बढ़ाते हुए, ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए हाथ से, और ये देखिए हमारी रोटी तैयार। ये हम पॉलीथिन हटा देंगे और फिर हमारी रोटी ये देखिए कितनी गोल बनी है। और ये रोटी हम अपने तवे पे डाल, हमारा तवा गर्म हो चुका था और ये देखिए कितनी गोल रोटी बन के तैयार हुई है। और अब हम इसको धीरे धीरे मध्य आंच में इसको सेक लेंगे। इसमें इस तरीके से जब थोड़ी थोड़ी हमारी रोटी पक जाए तो धीरे धीरे से हम इसको चाकू से छुड़ाते छुड़ाते तवे को छुड़ाएंगे, रोटी से अलग करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जितने मध्य में हम हमारा कम स्लो आंच में हम जितनी हम रोटी बनाएंगे, रोटी बहुत ही बन के स्वादिष्ट बनेगी, कुरकुरी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी बाजरे की रोटी, और हम इसको मध्य आंच पर सेक लेंगे, गैस की फ्लेम से कम रखेंगे। और बहुत ही मध्य आंच में, जितनी मध्य आंच में रोटी सेकेगी उतनी अच्छे से बनके तैयार होगी। और बहुत ही आसान तरीका है, मुझे तो आज तक भी हाथ से रोटी बेलना नहीं आया। हमारी मम्मी दादी, हमारी सासू माँ, ये सब तो हाथ से ही लोई को घुमा घुमा के गोल गोल बड़ा कर लेती हैं। बट फ्रेंड्स मुझे तो यही तरीके से आती है रोटी बनानी। और देखिए रोटी भी ठीक बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने हम ये रोटी ये देखिए लाल लाल करारी करारी रोटी, और जितने हम इस रोटी को तैयार करेंगे जितने हम अपनी दूसरी रोटी भी सेक लेंगे ऐसे ही। और ये देखिए बाजरे की रोटी को खाने का मज़ा, उसमें बहुत सारा घी, तभी आनंद आता है फ्रेंड्स। हालांकि घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए। ये देखिए और हमारी थाली लग चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, वही एज वेल गुड़, बथुए की कड़ी, बथुए का रायता और ये सरसों का साग। सरसों का साग फ्रेंड्स दो तरीके से बनता है, एक तो रसीली बनती है और एक सूखी बनती है। मैंने फ्रेंड्स ये आज मैंने आपसे सूखी जो सब्जी बनती है दाल डाल के वो रेसिपी शेयर की है। कभी आगे मैं आपसे जो रसीला जो साग बनता है, एक्चुअली जो सरसों का साग बोलते हैं पंजाबी में, लोग ज़्यादा पंजाब के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो मैं कभी वो भी शेयर करूँगी। और ये हमारी थाली लग के तैयार हो गई है, ये सैलेड और ये थाली, और ये मैं टेस्ट करके आ जाइए, आप लोग भी खाइए और खाइए कैसा लगता है आपको बताइए, और मैं भी ये टेस्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपसे आज एक ये रेसिपी शेयर की है, ये देखिए और आप भी आ जाइए और खाइए
और मैं भी खा के बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा बना है। ये देखिए, मिलते हैं। कैसी बनी बाजरे की रोटी? अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। और जो हमने सरसों का आज जो सूखी सब्जी बनाई है, ये वाली शानदार अच्छी लगी है। सीजनल सब्जी, सीजनल आइटम तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती भी रहती हूँ। बताइए टेस्ट, दोबारा से ऑडियंस ने सुना नहीं है, शानदार। मेरी फैमिली मेम्बर्स ने सुना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड तो एंजॉय कर रहे हैं बाजरे की रोटी को, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इनको डेली दे दो, ये नहीं परेशान होंगे ना बोर होंगे। बच्चों के लिए मुझे कभी कभी फिर भी अलग तरीके से आइटम बनाने पड़ते हैं, लेकिन इनका फोकस हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियों में ही रहता है और मैं इनको बनाती हूँ और खिलाती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।